क्या निर्माणाधीन ये इमारत थी या ये दीवार बनी हुई थी, किसी हादसे के चलते गिर गई, भारी बारिश की वजह से गिर गई, वजह क्या रही? देखिए, ये जो दीवार है, इस दीवार के साथ लगा हुआ एक लगी हुई नाली है, जहां पर आप देखिए ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं, जिसमें काम कर रहे हैं ये तमाम फायर के अधिकारी, पुलिस के लोग यहां पर काम कर रहे हैं। ये इस नाली के सफाई का काम चल रहा था, और इस नाली के सफाई के दौरान जो कुछ दीवार में चोट लगी, या कुछ जो उनके पास जो भी औजार थे उसके जरिए दीवार में कुछ चोट लगी। ये दीवार पुरानी है, सोसाइटी की दीवार है। ये आप देखिए, ये सामने जलवायु विहार जो सोसाइटी है, ये उसकी दीवार थी और यहाँ पर ये दीवार खड़ी थी, और उसके बाद सोसाइटी की तरफ न गिर के ये चूंकि बाहर की तरफ गिरी, जिस तरफ मजदूर नाली की सफाई का काम कर रहे थे, और जब ये दीवार गिरी तो वो मजदूर इस चपेट में आ गए और नीचे दब गए वो। और अब बचाव काम बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। आप देखिए, चूंकि ऊपर का मलबा तो जेसीबी से हटाया जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ से किस तरीके से मैन्युअली यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं, और इसको हटाने का काम लगातार जारी है। तो इस वजह से अभी तक जो स्थिति स्पष्ट हो सकी है कि नाली के काम की सफाई के दौरान ही जो औजार थे उनमें दीवार पे कुछ लगता है उनके, और उसके बाद ये लंबी चौड़ी दीवार गिर जाती है। तो हो सकता है कि लगातार जो बारिश हुई हो उसकी वजह से ये दीवार कमजोर हो गई हो और उसी दौरान ये हादसा हुआ। बहरहाल, इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, रिपोर्ट बनाएगी और ये देखेगी कि किन परिस्थितियों में हादसा हुआ। अभी जो सबसे पहले जो हमने अधिकारियों से बात की, उनका कहना था उनकी पहली प्राथमिकता है कि तमाम जो घायल लोग हैं उन्हें अंदर से निकाला जाए, अगर कोई दबा है ये सुनिश्चित किया जाए, पूरे मलबे को यहाँ से हटाया जाए। तो आप देखिए, लगातार इस पूरे काम को, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए कितना मलबा यहाँ पर हटाया जा चुका है अलग अलग। ये देखिए, सिर्फ ये वो मलबा है जो दो जेसीबी ने ये बाहर की तरफ निकाला है। तो ये लगातार बचाव कार्य जारी है, अधिकारी मौके पे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं। इस इलाके के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, आप देखिए उनसे हम देखते हैं कि अगर कोई अधिकारी बात कर सके। यहाँ पर देखिए, ऋतु महेश्वरी जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सीईओ हैं, उनसे अभी हम देखते हैं, लेकिन इस वक्त शायद अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अभी अधिकारियों के सामने भी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस दीवार के ढहने की जो वजह थी वो ये थी कि जो ये नाली, आपको हम यहाँ से दिखाएं क्योंकि यहाँ पर वो स्थिति आपको दिख सकेगी। ये देखिए, ये जो है इसको, इसकी सफाई का काम चल रहा था, ये नाली आगे तक थी, और ये दीवार आप देखिए उधर न गिर के इस तरफ, जिस तरफ मजदूर और नाली थे, क्योंकि नाली सफाई कर रहे थे, इस वजह से पूरी तरीके से वो इसके चपेट में आ गए। ये पूरा आप देखिए जो ग्रिल है, इस वजह से ऊपर से भी उनको सपोर्ट नहीं मिला कि जिसकी वजह से वो समय रहते बाहर निकल पाते और वो इस हादसे के चपेट में आ गए हैं। बहरहाल, कार्य जारी है कि अगर कोई दबा हुआ है, अगर कोई फंसा हुआ है अभी भी, तो जल्द से जल्द उसे इससे निकाला जा सके। 3 मौतों की पुष्टि की है, जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं उनके मुताबिक, और 1 घायल को निकाला गया है तुरंत हॉस्पिटल। यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस मौजूद है ताकि अगर कोई घायल निकलता है तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल करके फौरन हॉस्पिटल भिजवाया जा सके। आप देखिए, फायर सर्विस की जो तमाम गाड़ियां हैं रोड पर, आप देखिए एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है। तो जो तमाम जो प्रोटोकॉल है वो सारी चीजें यहां पर लगातार फॉलो की जा रही है। अधिकारी मौके पे मौजूद है, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है।